लद्दाख में चीन की आक्रामक कार्यवाही के बाद अमेरिका ने चीन को भारत समेत कई देशों के लिए खतरा बता दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ऐलान किया है कि चीनी सेना के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका एशिया के अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ाएगा। बेकाबू होते जा रहे चीन की घेराबंदी अब तय हो गई है। लद्दाख में भारत के मुंहतोड़ जवाब का सामना कर रही चीन को सबक सिखाने के लिए अब अमेरिका भी खुलकर सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ऐलान किया कि वो चीन के आक्रामक रुख का जवाब देने के लिए अमेरिका एशिया में अपनी फौज को बढ़ाने जा रहा है। भारत और अपने मित्र देशों के लिए चीन को खतरा बताने वाले पोम्पियो ने चीन को चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो अमेरिकी सेना उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी से मुकाबला करने को तैयार है। अमेरिका की ये चेतावनी खोखली नहीं है। चीन के आसपास अमेरिका के इतने बेस मौजूद है कि वो ड्रैगन को आसानी से घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। अमेरिका ने पहले ही ताइवान के करीब अपने 3 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर दिया है, जिसमें से 2 ताइवान और बाकी 2 मित्र देशों के युद्धाभ्यास कर रहे हैं। वहीं तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जापान के पास गश्त लगा रहा है। प्रशांत महासागर में तैनात ये 3 विमान वाहक USS थियोडोर रूजवेल्ट, USS निमित्ज और USS रोनाल्ड रीगन हैं। एक अनुमान के अनुसार पूरे एशिया में चीन के चारों ओर 2,00,000 से ज्यादा अमेरिकी सेना के जवान तैनात हैं। वहीं पोम्पियो के ताजा बयान के बाद चीन की घेराबंदी कसी जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर अमेरिका जर्मनी में मौजूद अपने 52,000 सैनिकों को घटाकर 25,000 कर रहा है। इन सैनिकों को एशिया में चीन का मुकाबला करने के लिए तैनात किया जाएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।